नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। जिलाधिकारी ने किया आधुनिकरण, नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर से है, जिसे रुद्रपुर में जहां कलेक्टरेट कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपातकालीन परिचान केंद्र में 1.70 करोड़ की लागत से पूर्व भवन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण नव निर्मित सभागार का लोकार्पण जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने किया। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपातकालीन परिचान केंद्र के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकरण से आपदा के समय कार्यों के संपादन में सुविधा होगी। साथ ही आपातकालीन परिचान केंद्र से आपदा के साथ ही निर्वाचन, धान खरीद आदि महत्वपूर्ण कार्यों की मॉनिटरिंग में भी समय समय पर उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में आपदा प्रबंधन 7 डेस्क सिस्टम पर आधारित था, वर्तमान में IRS सिस्टम क्रियान्वित है, जिसमें जनपद के समस्त अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। जिम्मेदारियों के निर्वहन एवं सफल संचालन हेतु जिला आपदा प्रबंधन परिचान केंद्र का सुदृढ़ व आधुनिक होना अति आवश्यक है। आपदा से पूर्व तैयारियों के दृष्टिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पूर्वाभ्यास कराए जाने व महत्वपूर्ण बैठकों हेतु आपातकालीन परिचान केंद्र में सभागार अति आवश्यक था, इसलिए सभागार का निर्माण कराया गया, जिसमें 80 से 100 अधिकारी कर्मचारी बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन कार्यालय के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं सभागार के निर्माण से निश्चित ही कर्मचारी अधिकारियों को सुविधा मिलेगी व उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने सभी को बधाई दी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। प्रबंधन के लिए जो आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए सभाकक्ष का, कुछ अन्य आवश्यक कक्षों का निर्माण किया गया है और पुराने जो निर्मित थे उनको फिर से रिनोवेट किया गया है, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि ये बहुत बड़े उसमें बना हुआ, अच्छे उसमें बना हुआ परिसर है और यहाँ से हम कई चीज़ें करते हैं। केवल दैवीय आपदा में ही कक्ष काम नहीं आता है, धान खरीद की पूरी मॉनिटरिंग हम करते हैं, पूरे इलेक्शन की भी मॉनिटरिंग हो जाती है, तो इसका मल्टीपर्पज उपयोग हम लोग कर रहे हैं। और आज इसका, इस भवन का जो नया मीटिंग हॉल बना और कक्ष बने, इनमें अधिकारियों की समीक्षा और मीटिंग एवं तमाम तरह के जो अन्य भी कार्य होंगे जनपद के जिला प्रशासन से जुड़े, वो संपादित किए जाएंगे। इससे कार्य को संपादित करने में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के इफिशियंसी में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्यों को सही ढंग से निपटारा करने का सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हुआ है। तो सभी इसमें जो भी दैवीय आपदा से जुड़े आज अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ कि और अच्छे से काम करेंगे। और जो भी अधिकारी उपस्थित हैं आज इस उद्घाटन के अवसर पर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।